रूस के राष्ट्रपति भवन पर यूक्रेन ने ड्रोन से बोला हमला। पुतिन को मारने का प्रयास, अब रूस ने दी आर या पार की धमकी। दोस्तों, जिस बात का डर था वो अब सच हो गया है। यूक्रेन ने पहले नेटो देशों की बातों में आकर रूस को उकसाया और अपने देश को बर्बाद करवा लिया। अब उसने युद्ध के एक साल बाद रूस के राष्ट्रपति पर ही धावा बोल दिया है, मतलब डायरेक्ट पुतिन पर अटैक बोला है। और इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुतिन वो पावर हाउस है जिनके हाथ में दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है, जिनके पास सबसे ज्यादा ताकतवर और डेडलिस्ट मिसाइलें हैं, जो एक ही झटके में पूरा का पूरा यूरोप खाक कर सकते हैं, अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। तो वही एक से बढ़कर एक सबमरीन हैं जो समंदर में सुनामी ला सकती हैं। यानी ठीक से कहा जाए तो यूक्रेन ने अपनी मौत बुला ली है, क्योंकि रूस ने सीधे सीधे कह दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास है, उनको मारने की कोशिश है। और दोस्तों, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक किया है, इसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन को मारना था। मॉस्को के लोगों ने भी 2 बजे के बाद क्रेमलिन की दीवारों के पीछे विस्फोटकों की आवाजें सुनी हैं। इसके बाद क्रेमलिन के ऊपर आसमान में धुआं उठता हुआ भी दिखाई दिया है। और दोस्तों, अब रूस ने सीधा सीधा बदला लेने की धमकी दे डाली है। तो दोस्तों, आखिर यूक्रेन ने ये खुराफात क्यों की है, इसके पीछे किसकी साजिश है और अब रूस क्या कुछ करने वाला है, ये जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भारत पर भी बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन की ये सबसे चौंकाने वाली खबर है कि यूक्रेन ने डायरेक्टली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की नाकाम कोशिश की है। यूक्रेन ने विस्फोटकों से भरे ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन की हत्या के लिए किया। ये कोशिश तब हुई जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करीब 1 घंटे तक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की थी, और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फिनलैंड के दौरे पर चले गए। जेलेंस्की ने फिनलैंड में कहा कि ये साल हमारी जीत के लिए बेहद निर्णायक होगा, रूसी आक्रमण से बचाव ही हमारी बातचीत का मुद्दा है। जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से जल्द विमान मिलने की उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा कि विमान मिलने के बाद जल्द आक्रामक अभियान चलाया जाएगा। मतलब दोस्तों, यूक्रेन के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। वैसे इसे आप मूर्खता भी कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उसके दिमाग का दिवालियापन आपने भारत को लेकर के देखा ही था। उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भारत की देवी दुर्गा का अपमान किया था। हालांकि बाद में लंबी चौड़ी माफी के साथ ही वो घुटनों पर था, लेकिन अब खुद रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने के लिए राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक किया। हालांकि इस हमले में पुतिन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन पुतिन की हत्या के प्रयास में क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले किए गए। रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन की ओर से किए गए 2 ड्रोन को मार गिराया है। क्रेमलिन का यह भी कहना है कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले ये हमले की कोशिश की गई है। पुतिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है, लेकिन पुतिन को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और दोस्तों, अब पुतिन इस हमले के बाद बंकर्स के अंदर रहने चले गए हैं, लेकिन क्रेमलिन ने धमकी दी है कि रूस जहां और जब उचित समझेगा जवाबी कार्रवाई का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। क्रेमलिन ने इस घटना को सुनियोजित आतंकवादी हमला करार दिया है। हालांकि क्रेमलिन ने यह नहीं बताया कि पुतिन उस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद थे, लेकिन क्रेमलिन ने बताया कि इस ड्रोन हमले से पुतिन के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले भी यूक्रेन के एक ड्रोन के मलबे को इस हफ्ते की शुरुआत में मॉस्को से कुछ ही दूरी पर देखा गया था। कहा जा रहा था कि ये ड्रोन अपनी सीमा से ज्यादा उड़ गया, फिर ये रूस की राजधानी मॉस्को का चक्कर लगा रहा था। UJ-22 ड्रोन को नोगिन्स के जंगलों में पाया गया था। ये जंगल मॉस्को के करीब हैं। रूस की पुलिस ने बताया कि ड्रोन में कैनेडियन M112 विस्फोटक लगे थे और इसकी मात्रा 17 किलोग्राम से ज्यादा थी। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए भेजे गए थे, क्योंकि जिस जगह पर ये ड्रोन मिले पुतिन उससे कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। तो वही दोस्तों, अब जो ताजा अटैक हुआ है उसके बाद कहा जा रहा है कि रूस इस ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। इस ड्रोन हमले के बावजूद 9 मई के सभी कार्यक्रम स्थगित नहीं होंगे। वहीं मॉस्को के मेयर ने ड्रोन की उड़ान पर बैन लगा दिया है।
हालांकि रूस के राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि जब भी और जहां भी मौका मिलेगा वो इसका हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। रूस का कहना है कि ये आतंकवादी हमला था जिसका मकसद पुतिन की जान लेना था। हालांकि पुतिन की हत्या की साजिश रचने के रूस के आरोपों पर यूक्रेन का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही यूक्रेन ने इस हमले में अपनी मिली भगत से भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बार बार कहा कि यूक्रेन अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तत्पर है और दूसरों पर हमले नहीं करेगा। तो वहीं रूस के सांसदों ने जेलेंस्की के आवास पर मिसाइल दागने की डिमांड कर डाली है। क्रीमिया से सांसद मिखाइल शेरमेट ने क्रेमलिन पर हमले के बाद मांग की है कि कीव में जेलेंस्की के आवास पर भी मिसाइल अटैक किया जाए। दोस्तों, अगर यूक्रेन और रूस के बीच ये आग और भड़कती है तो फिर इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि अब रूस को रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। इस वक्त भारत का झुकाव रूस की ओर है, लिहाजा भारत पर अब पश्चिमी देश तेल ना खरीदने की डिमांड कर सकते हैं। हालांकि भारत उनकी दादागिरी को पहले ही धड़ाम कर चुका है, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है।